देश के करोड़ों क्रिकेट फैंस के इंतजार का होगा अंत, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप 2024 खेलते दिखेंगे ऋषभ पंत। जी हां, करीब 15 महीने के लंबे इंतजार के बाद क्रिकेट की पिच पर वापसी करने वाले ऋषभ पंत अब आगामी T20 वर्ल्ड कप 2024 खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और जिस तरह से IPL के सीजन 17 में अब तक ऋषभ पंत का प्रदर्शन देखने को मिला है, उनकी फिटनेस देखने को मिली है, उसके बाद तो फैंस की उम्मीदें और ज्यादा तेज हो गई हैं। लेकिन अब दिल्ली कैपिटल्स टीम मैनेजमेंट, जिसके ऋषभ पंत कप्तान भी हैं टीम के, उसी टीम मैनेजमेंट से जुड़े एक बहुत बड़े शख्स ने एक बड़ा ऐलान कर दिया। और इस शख्स ने कहा है कि सिर्फ एक हफ्ते बाद ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि ऋषभ पंत T20 वर्ल्ड कप में खेलते हुए दिखेंगे या नहीं दिखेंगे। दरअसल उन्होंने इसके पीछे की एक खास वजह भी बताई है, और वो वजह क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। अब T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए धीरे धीरे फिट होते हुए नजर आ रहे हैं, उसके पीछे का उनका प्रदर्शन तो है ही। लेकिन अब दिल्ली कैपिटल्स टीम मैनेजमेंट के टीम डायरेक्टर सौरव गांगुली ने भी एक बड़ा बयान दिया है। दरअसल मुंबई इंडियंस के खिलाफ होने वाले IPL के मैच से पहले ऋषभ पंत की फिटनेस को लेकर सौरव गांगुली से एक सवाल पूछा गया था, और सौरव गांगुली ने इस पर एक बहुत अच्छा जवाब दिया। सौरव गांगुली ने बताया कि जैसा प्रदर्शन अब तक ऋषभ पंत ने किया है उसमें वो सब कुछ सही कर रहे हैं, तो चाहे वो बल्लेबाजी हो, विकेट कीपिंग हो, तमाम चीज़ें जो कि एक क्रिकेटर को ज़रूरी होती हैं वो पूरी तरह से अच्छी दिख रही हैं। ऐसे में ऋषभ पंत T20 वर्ल्ड कप खेल सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक हफ्ते का इंतज़ार और होगा। शायद उस एक हफ्ते में ऋषभ पंत भी इस बात का मन बना लेंगे कि वो आगामी T20 वर्ल्ड कप के लिए फिट हैं या नहीं। तो क्या कहा सौरव गांगुली ने, चलिए मैं आपको ये भी बता देता हूँ। अभी ये कहना मेरे लिए जल्दबाजी होगी, कुछ मैच और हो जाने दीजिए, लेकिन वो अच्छा खेल रहे हैं। पंत ने इस IPL विकेट कीपिंग और बल्लेबाजी सब कुछ अच्छा किया है, उनका फॉर्म भी शानदार है, एक हफ्ता और बीत जाने दीजिए, फिर वर्ल्ड कप के लिए वो पूरी तरह से फिट हैं या नहीं ये साफ हो जाएगा। हालांकि ये भी देखना होगा कि सेलेक्टर्स उसे लेना चाहते हैं या नहीं। अब सौरव गांगुली के इस बयान को देखा जाए तो ऐसा लगता है कि सौरव गांगुली शायद इस बात का फैसला खुद ऋषभ पंत को करते देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि खुद ऋषभ पंत इस बात का फैसला लें कि वो आगामी T20 वर्ल्ड कप में खेलने के लिए इच्छुक हैं या नहीं, क्योंकि IPL सीजन 17 में तो जैसा उनका प्रदर्शन बीत रहा है, अनडाउटेडली ये कहा जा सकता है कि वो T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए एक मजबूत दावेदार साबित हो रहे हैं। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे भी कुछ आंकड़े हैं। अगर हम आगामी T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया में खेलने के बतौर विकेट कीपर बल्लेबाज जो दावेदार हैं उनको देखें, तो इस वक्त चार ऐसे नाम हैं जिनकी दावेदारी बतौर विकेट कीपर बल्लेबाज T20 वर्ल्ड कप के लिए हो सकती है। मैं इनमें ऋषभ पंत को भी गिनता हूँ, लेकिन ऋषभ पंत के अलावा कौन है? संजू सैमसन इस रेस में है। वर्ल्ड कप 2023 में टीम इंडिया के लिए विकेट कीपिंग करने वाले लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान KL राहुल इस लिस्ट में हैं, और तो और मुंबई इंडियंस के विकेट कीपर ईशान किशन भी इस लिस्ट में कहे जा सकते हैं। लेकिन इन चारों विकेट कीपर्स के अगर प्रदर्शन को देखा जाए तो ऋषभ पंत और संजू सैमसन को छोड़ दिया जाए तो कोई भी रेस में नजर नहीं आता। चलिए मैं आपको कुछ आंकड़े भी दिखाता हूँ। ऋषभ पंत ने IPL में खेले अब तक अपने चार मुकाबलों में बल्ले से 152 रन बनाए हैं, जिसमें दो हाफ सेंचुरी उनके नाम है, करीब 159 का बल्लेबाजी का स्ट्राइक रेट उनका है। तो वहीं बतौर विकेट कीपर उन्होंने चार कैचेस और एक स्टंपिंग की है। संजू सैमसन भी इस रेस में, उन्होंने चार मुकाबलों में 178 रन बनाए हैं, 82 नॉट आउट उनका टॉप स्कोर है, 250 उन्होंने भी बनाई है, चार कैचेस भी उन्होंने लिए। लेकिन रेस के बाकी दो नाम देख लीजिए आप भी। ईशान किशन तीन मुकाबलों में कुल 50 रन, ना कोई 50, ना कोई कैच, ना कोई स्टंप। LSG के कप्तान KL राहुल अब बतौर कप्तान उनका भी प्रदर्शन जैसा रहा हो, लेकिन बतौर विकेट कीपर तीन मुकाबलों में 93 रन बनाए हैं, 58 टॉप स्कोर उनका है, 150 और कुल तीन कैचेस। यानी देखा जाए तो इस वक्त अगर T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया में दो विकेट कीपर जाएंगे तो टॉप रेस में संजू सैमसन और ऋषभ पंत दोनों का नाम मौजूद है। अब सेलेक्टर्स को डिसाइड करना है कि वो ऋषभ पंत को, जो कि एक लंबे अरसे के बाद क्रिकेट के पिच पर वापसी कर रहे हैं, वो T20 वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में खेलने के लिए फिट हैं या नहीं। लेकिन जैसी तस्वीरें दिख रही हैं, जो मैदान पर दिख रहा है, ऋषभ पंत पूरी तरह से फिट नजर आ रहे हैं। ऐसे में कहा जा सकता है अगर सौरव गांगुली के बातों को विश्वास किया जाए तो अगले एक हफ्ते में शायद इस बात का भी खुलासा हो जाएगा, इस बात पर भी अंतिम फैसला आ जाएगा।